छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी दी। तोखन साहू ने कहा कि 8 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें देश भर के राष्ट्रीय पदाधिकारी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। वहीं 9 मार्च को किसान महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम विष्णुदेव साय समेत कई नेता सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उसी के तारतम्य में पत्रकार वार्ता के लिए आपसे निवेदन किया गया था। 8 मार्च को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होनी है। हमारे देश भर के किसान मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी रायपुर पधारेंगे, बैठकें होगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रभु श्री रामचंद्र की धरती माता कौशल्या की इस भूमि में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी पधारेंगे। यह मेरे लिए भी और किसान मोर्चा के मेरे सभी साथियों के लिए बड़ी गौरव की बात होगी, बड़े सम्मान का बात होगा। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद ठीक दूसरे दिन यानी 9 तारीख को एक बड़ी किसान महारैली का, किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है साइंस कॉलेज नगाल रायपुर में। इस सभा को सम्माननीय हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी संबोधित करेंगे। हमारे बहुत ही मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, और भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी इस सभा को संबोधित करेंगे। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को और आपके माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग आएंगे और किसान महारैली को, किसान महासम्मेलन में आप सब लोग उपस्थित रहेंगे। मैं अपनी ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूं। और मैं बहुत ही सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही जो हमारी घोषणा पत्र में कहा गया था कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न के जन्म दिवस के अवसर पर हम पिछले 2 वर्ष की बकाया बोनस देंगे, और वह 25 दिसंबर को पिछले 2 वर्ष का बकाया बोनस राशि सभी किसान भाइयों के खाते पर भेज दी गई।